गाइस, फिर मिला के आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ जो टिप्स एंड ट्रिक्स वाली होने वाली है वीडियो। तो इस वीडियो का सारा पर्पस ये कि जैसे कि हम मैच स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैं अरेना स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अरेना दिखा रहा हूँ आपको। ये मैप मेरे में सारे डाउनलोड हैं, घर वगैरह सब कुछ सारे डाउनलोड हैं। अगर मैं अपने टीममेट को बुलाता हूँ और वो आता है और मैं मैच स्टार्ट करता हूँ तो उसके में दिखाता है कि नॉट अ डाउनलोड दिस मैप, तो वो हट जाता है। तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि वो हट जाता तो बच जाता है, सामने अगर वो भी वो उसको मैं लेवल बना देता तो वो मैच स्टार्ट करता तो उसके में दिखाता कि मेरे पास मैप कोई भी डाउनलोड नहीं। तो इसीलिए पबजी वालों की तरफ से ऑफिशियल न्यूज़ है, ऑफिशियल नोटिस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए इन इवेंट के ऊपर नोटिस बोर्ड, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा नोटिस। आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, जो ये स्टेप कराता है, देखिए बता दें अपडेट 22/6/2021 16:25 मतलब 4:25 अराउंड ये इशू प्रॉब्लम इन्होंने फिक्स किया है। इशू विदाउट डाउनलोडिंग मोर ऐप द मैचिंग, मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो भी आपका मैचिंग में प्रॉब्लम आ रहा है उसको उनको उन्होंने ये सब फिक्स किया है, मतलब इतने डायरेक्ट को सब कुछ और सब कुछ बेसिक सेटिंग बता रखा है। आपको फीचर्स मोड में जाना है, सेटिंग में जाना है, सेटिंग में पैसे में जाकर अपनी आई डी को लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद जब उसे दोबारा ओपन करते हैं तो वहाँ पर रिपेयर का ऑप्शन आता है, रिपेयर पर क्लिक करना है, रूटीन रिपेयर पे क्लिक करके ओके कर देंगे, फिर वहाँ से अपना दोबारा से और लॉग इन कर लेंगे और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये यूट्यूब पे सबसे छोटी वीडियो होने वाली है अभी तक की सबसे छोटी वीडियो, तो आओ ट्राई करते हैं इसे, ट्राई करना तो बनता है ना, अभी चेक करते हैं। वैसे मैंने इसे 2-3 बार चेक कर लिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आती है मेरे साथ ऐसी, सामने वाली जब तक मैंने ऐसा नहीं किया उसके पास तब तक ऐसा कुछ नहीं होता। अभी देखिए रिपेयर का ऑप्शन आ गया, रूटीन रिपेयर, और यहाँ पे मैं कहीं पे क्लिक नहीं करता, KDM वेयरहाउस वगैरह कहीं पे भी रूटीन रिपेयर जो पबजी वालों की तरफ से रिपेयर है, तो पबजी वाले जो नोटिस दिया सिर्फ हमें वो करना है, जैसे कि अगर कोई बंदा इसको क्लिक कर देता वगैरह, तो ये चीज़ नहीं करना है। ठीक है जी, तो समझ में आ रही होगी केयरफुली सभी को, तो अगर कुछ समझ में ना आ तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल है तो एक लाइक तो बनता है। रिस्टार्ट करके हमें से रिस्टार्ट कर लेता, तो बाकी छोटी सी आजकल न्यूज़ ये भी आ रही है पबजी को लेकर कि पबजी इंडिया बेकार है वगैरह वगैरह, पबजी इंडिया बेकार है जो वो पबजी यही है कुछ भी, तो पबजी तो बन गई नवी नवी, पहले पबजी ग्लोबल खेलता था, मतलब बस वगैरह सब कुछ था, सब कुछ बात हो गया, वो सिर्फ आईडी नहीं हो पाई क्योंकि मैंने उससे कोरिया ओसन भी लॉग इन किया हुआ था। यहाँ पे 2 बार अपडेट होती है, अपडेट के बाद फिनिश, अभी ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा कि आपको कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, या अगर सामने वाले में ये प्रॉब्लम आती तो आप सामने वाले को अपने फ्रेंड को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई वो ऐसा करें तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम सिंपली लॉग इन कर लेंगे, तो आप सभी को पता ही। थोड़ा सा लोडिंग तो ले गई भाई 1 सेकंड का, पबजी इंडिया है आजकल ये फिक्स इन्होंने सब कुछ कर दिया, जैसे रेंडर लैग, पिंग हाई इशू, सब प्रॉब्लम इसमें इन्होंने फिक्स कर दिया। इसके बाद मैंने काफ़ी मैच खेले, सब कुछ अच्छा गया, कोई दिक्कत नहीं। तो जिस भाई लोग को भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है वो ऐसे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पबजी वाले की तरफ से ऑप्शन न्यूज़ है। और ये चीज़ मैं कर चुका हूँ और अपने कई दोस्तों को बता चुका हूँ, और जिसको भी नहीं आता भाई वीडियो देख के कर सकते हैं। तो आज के लिए भाई लोग बस इतना ही था वीडियो में, ये मेरी न्यू आईडी है, पहले वाली मेरी आईडी डेविल लूम नाम से थी, अब ये डेविल नाम से आईडी है। तो बाय बाय, आज के लिए वीडियो में बस इतना।